तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखने वाले हैं हमारी जो सीरीज चल रही थी 4007 के पेपर की। तो हमारी जो ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट के तीन क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये है हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्यस्थता अधिनियम के तहत सुलहकर्ता कौन है, इट मीन्स कि अभिरंजक कौन होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अभिरंजक वाला, दोस्तों मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि वेरी शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और वेरी शॉर्ट का जो पेपर मैंने बना के दिया है उसमें भी एक क्वेश्चन है ये कि अभिरंजक कौन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन ना होकर के यहीं पर एक्सप्लेनेशन इसको किया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों, और तीसरे फॉर्मेट में भी ये है। ठीक है, लेकिन वो साइड से है, मेन क्वेश्चन कुछ और है सुलह वाला। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं देखते हैं अभिरंजक कौन है। पहले देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तीसरा पक्ष विवाद में पक्षों को समझौते के माध्यम से इसे हल करने में मदद करता है। ऐसा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को सुलहकर्ता कहा जाता है। वह पार्टियों को समझौते तक पहुंचाने में मदद करने के लिए विवाद के संबंध में अपनी राय देकर ऐसा कर सकता है। दूसरे शब्दों में एक पार्टियों के बीच एक समझौता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं एक बात से फिर से बता दूँ। देखिए, एक व्यक्ति है ये और एक व्यक्ति है ये। ठीक है, इन दोनों का आपस में विवाद हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपस में दोनों का हो गया विवाद, वो भी भयंकर वाला। ठीक है, तो अब विवाद होने के बाद में इन्होंने क्या किया कि चलो भाई कोर्ट में चलो। कोर्ट में जाने से पहले उनसे बोल दिया कि भाई एक सुलह अधिनियम भी है, ठीक है, आर्बिट्रेशन है, उसमें जाकर के यार बात कर लो अगर तुम्हारा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये गए सुलह, ठीक है, करने के लिए। तो सुलह करने वाला एक व्यक्ति होता है जो इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं सुलहकर्ता, मतलब तीसरा व्यक्ति जो होता है इसी को बोलते हैं अवरंजक, अभिरंजक या फिर सुलहकर्ता। अब ये क्या करेगा, ये इसके पक्ष को सुनेगा और इसके भी पक्ष को सुनेगा। ठीक है, और दोनों के पक्षों को सुनेगा, फिर दोनों से कहेगा क्या तुम सलाह करने के लिए तैयार हो, सुलह करने के लिए तैयार हो। इनकी सलाह लेगा, सलाह मशवरा करेगा और फिर उसके बाद से दोनों से पूछेगा। ठीक है, फिर इनकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसको अपने पास में रख लेगा और खुद से, ठीक है, ये जो बीच वाला व्यक्ति है इसको बिचौलिया भी हम कहते हैं। ठीक है, जैसे शादी विवाह होते हैं ना, तो उन्हें बिचौलीगिरी करते हैं ना, तो वो बिचौलिया होते हैं, एक दूसरे पक्ष को समझाना और शादी करवा देना। ठीक है, तो बस यही समझ लीजिए कि एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है, उसके बीच में ये है बिचौलिया, जिसको हम बोलते हैं अभिरंजक, मतलब कि सुलहकर्ता। और ये क्या करा रहा है, इन दोनों का सुलह करवा रहा है। ठीक है, विवाद को ख़त्म करवा देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है कि जो ये समाधानकर्ता होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति। धारा 64 सुलहकर्ता की नियुक्ति से संबंधित है। जब सुलह का नियंत्रण दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है तो पार्टियों को सुलह न्यायाधिकरण की संरचना का पर सहमत होना पड़ता है। इट मीन्स कि जब सुलह नियमंत्रण, मतलब कि एक पार्टी से दूसरे, एक पार्टी जाती है सुलह कराने के लिए, ठीक है, सुलहकर्ता के पास में लोक अदालत में जाती है, तो वहाँ से क्या करते हैं, एक व्यक्ति की वो उससे एप्लीकेशन ले लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, दूसरे जो पक्ष है उसको समन भेजते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं कि भाई तुम्हारा जो अपोजिट है वो आया है हमारे पास में सुलह करने के लिए, अगर तुम भी चाहते हो सुलह हो जाए तो फिर आ जाओ। ठीक है, तो पार्टियों को सुलह न्यायाधिकरण की संरचना पर सहमत होना पड़ता है, फिर दूसरी पार्टी वहाँ जाती है और उसकी संरचना को मानना पड़ता है। इसके विपरीत किसी समझौते के अभाव में केवल एक सुलहकर्ता होगा। सुलहकर्ता की कार्यवाही दोनों पक्षों की सहमति से नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र सुलहकर्ता द्वारा संचालित की जा सकती है, जिसमें विफल होने पर इसे दो सुलहकर्ताओं द्वारा संचालित किया जाएगा। अधिकतम इसकी सीमा 3 है, मतलब कि जो अभिरंजक किसी भी केस में हो सकते हैं सुलहकर्ता, तो 3 हो सकते हैं। पहले एक होगा, एक विफल हो गया तो फिर दो विफल हो गए तो फिर 3 से ऊपर विफल हो जाते हैं तो फिर ये छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर प्रत्येक पक्ष स्वयं सुलहकर्ता नियुक्त करता है और तीसरा सुलहकर्ता दोनों पक्षों द्वारा सर्वसम्मति से नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार नियुक्त तीसरा सुलहकर्ता पीठासीन सुलहकर्ता होगा, इट मींस कि न्यायाधीश की तरह होगा, और मध्यस्थ समझौते के पक्षकार स्वयं सुलहकर्ता को नियुक्त करने के बजाय सुलहकर्ताओं की नियुक्ति के लिए किसी संस्था या अपनी पसंद के व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं। लेकिन संस्था या व्यक्ति को नियुक्त करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सुलहकर्ता स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि वो एक के पक्ष में अपना फैसला दे दे या अपने मत को दे दे, उसका होना चाहिए को दोनों पक्षों में, मतलब कि ईमानदारी से अपना कार्य करे। ठीक है दोस्तों, चलिए
आगे बढ़ते हैं। देखिए 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 61(2) सुलह के आवेदन के दायरे के लिए प्रदान की जाती है, जो बताती है कि सुलह की प्रक्रिया विवादों तक फैली हुई है, चाहे समवायगात्मक हो या नहीं हो, और उन्हें कानूनी संबंध किसी विवाद में एक पक्ष को वाद दायर करने का अधिकार होता है और दूसरे पक्ष को वाद दायर करने का दायित्व। लेकिन अधिनियम का भाग 3 ऐसे विवादों पर लागू नहीं होता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं कि अधिनियम की धारा 63 में सुलहकर्ताओं की संख्या निर्धारित की गई है, जो अभी हमने बताई है 3। तो आदर्श रूप से एक सुलहकर्ता की आवश्यकता होती है। वैसे तो आदर्श रूप से एक ही सुलहकर्ता होता है जो दोनों के सलाह मशवरा करवा देता है, सुलह करवा देता है, समझौता हो जाता है। लेकिन पार्टी अपने समझौते से 2 या 3 सुलहकर्ता प्रदान कर सकती है। देखिए आमतौर पर एक सुलहकर्ता हो गया, अब एक वाली पार्टी कह रही भी एक हमारी मर्जी से होगा, ठीक है उसकी मर्जी से होगा, अब दूसरी वाली पार्टी का तुम्हारा है तो एक हमारी भी मर्जी से होगा, चलो भैया तुम्हारी मर्जी से भी रख लो, तो अब दोनों की मर्जी से एक सुलहकर्ता हो गया और एक ऑलरेडी होता है, तो इस कारण से 3 सुलहकर्ता एक ही केस में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत एक सुलहकर्ता की नियुक्ति। देखिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 64 के अनुसार उपधारा के अधीन एक सुलहकर्ता के साथ सुलह की कार्यवाही में पक्ष एकमात्र सुलहकर्ता के नाम पर सहमत हो सकते हैं, मतलब दोनों पक्ष अगर चाहें तो एक ही सुलहकर्ता पर अपने जो समझौता है उसको कर सकते हैं। 2 सुलहकर्ताओं के साथ सुलह की कार्यवाही में प्रत्येक पक्ष एक सुलहकर्ता नियुक्त कर सकता है, मतलब कि 2 में ऐसा हो सकता है कि पहला वाला एक पक्ष अपना ले आए और दूसरा वाला अपना एक सुलहकर्ता ले आए, तो 2 सुलहकर्ता हो गए, दोनों कर सकते हैं। लेकिन तीसरे सुलहकर्ताओं के साथ सुलह की कार्यवाही में प्रत्येक पक्ष सुलहकर्ता नियुक्त कर सकता है और पक्ष तीसरे सुलहकर्ता के नाम पर सहमत हो सकते हैं, जो पीठासीन सुलहकर्ता के रूप में कार्य करता है। अगर दोनों से भी नहीं हुआ, अगर तीसरा आता है तो भैया तीसरे की बात सर्वमान्य होगी, ठीक है उसको पीठासीन कहा जाएगा, ठीक है न्यायाधीश की तरह वो निर्णय करेगा और वो फिर मान्य होगा। उसके बाद पक्षकार सुलहकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में उपयुक्त संस्था या व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकते हैं और विशेष रूप से एक पार्टी ऐसी संस्था या व्यक्ति से अनुरोध कर सकती है कि वह सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करे, मतलब कोर्ट में वो कह सकते हैं कि कोई अगर अच्छे वो हैं तो आप हमें नामित कर दीजिए, ठीक है ताकि वो हमारे इसको समझौते को करा दें। ठीक है, चलिए पार्टियां इस बात से भी सहमत हो सकती हैं कि एक या अधिक सुलहकर्ताओं की नियुक्ति ऐसी संस्था या व्यक्ति द्वारा सीधे की जाए। पार्टियां इस बात से सहमत आसानी से हो सकती है कि कोई भी ऐसा सुलहकर्ता है जिसकी नियुक्ति ऐसी संस्था या व्यक्ति द्वारा सीधे की जाए, ठीक है ताकि बीच में कोई आड़े ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए जब सुलहकर्ता के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया जाता है तो पार्टियों को सुलह ट्रिब्यूनल की संरचना पर सहमत होना पड़ता है। इसके विपरीत किसी समझौते के अभाव में केवल एक सुलहकर्ता होगा। यदि दोनों पक्ष सहमति से एक सुलहकर्ता नियुक्त करने में विफल रहते हैं तो यह 2 सुलहकर्ताओं द्वारा आयोजित किया जा सकता है। अधिकतम सीमा इसकी 3 है। फिर प्रत्येक पक्ष अपना सुलहकर्ता नियुक्त करता है और तीसरे सुलहकर्ता को दोनों पक्षों द्वारा सर्वसम्मति से मतलब सबकी सम्मति से नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार नामित तीसरा सुलहकर्ता निर्देशक सुलहकर्ता होता है एवं स्वयं सुलहकर्ता का चयन करने के विरोध में विवेक समझ के लिए सभाएं सुलहकर्ताओं की व्यवस्था के लिए अपने निर्णय के किसी संगठन या व्यक्ति की सहायता के लिए नामांकन कर सकती हैं और अपना सुलहकर्ता चूज कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी सारी प्रक्रिया। अभिरंजक कौन होता है, वो क्या कार्य करता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है उसके अधिकार दायित्व कार्य, किसी भी पॉइंट पर अगर क्वेश्चन आता है बनकर तो आप इतने एबल हो चुके हैं दोस्तों कि इस पर आसानी से क्वेश्चन को लिख सकते हैं जो वेरी शॉर्ट में आएगा। ठीक है, और शॉर्ट में आने के लिए उसका हमने पेपर बना ही दिया। ठीक है, तो आई होप के दोस्तों अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए हैं तो जल्दी से फीडबैक हमें दे दीजिए, अगर कोई कमी रह गई है तो वो भी हमें बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो जल्दी लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।